बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, जिसका असर भोपाल में भी देखने को मिला है। भोपाल की करीब 476 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं बंद रहीं। करीब 5000 बैंक कर्मचारियों के सड़कों पर उतरने से बैंक का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। भोपाल में बैंक की हड़ताल का असर सर्वाधिक देखने को मिला। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारी 26 माह से लंबित वेतन पुनरीक्षण समझौता, 5 दिवसीय बैंकिंग, नई पेंशन योजना, पे स्लिप कंपोनेंट सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश भर के कुल 40,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। इससे प्रदेश भर में 7 लाख करोड़ और भोपाल में 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। आगे भी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल जारी रह सकती है। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि हमारा उद्देश्य बैंक बंद कर लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार लंबित 12 सूत्रीय मांगे नहीं मान रही है। बार बार चेतावनी के बाद भी बैंक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण बैंक कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है। हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला बैंक कर्मचारी भी मौजूद रही। दिव्यांग महिला बैंक कर्मचारी व्हील चेयर पर आकर भी हड़ताल में शामिल हुई। मुझे वो दिन बहुत दूर दिखाई नहीं देता साथियों, जब ये IBA घुटने के बल बैठ के हमारी मांगों को मानेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।